Frater Flaschen Rata, Sule No Unisorset, Sombarko, the same page. नौवें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि तुम बच्चों तो को तो मुख भी काम में आता है और कान भी काम में आता है और मेरे तो कान काम में नहीं आता है। तुम्हारे तो सब औजार काम में आते हैं, सारी इंद्रियां काम में आती हैं। बाबा को कब बुलाया भी जाता है, क्या करके हमको पढ़ाओ, ठीक है ना। पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाओ, तरीके बताओ। तो मैं पढ़ाई पढ़ाए रहा हूं, पतित से पावन बनने की पढ़ाई है। रास्ता बताना है सो तो मुख से ही पढ़ाएंगे ना। मेरा और तो कोई औजार काम में नहीं आते, मुख्य औजार है मुख, तो बस मुख ही शिव का। जहां जाओ तहां गौमुखी गौमुख गौमुख। गंगोत्री में ऊपर चले जाओ वहां भी गौमुख। यहां माउंट आबू में भी गौमुख। अब उसे गौ का कोई कान दिखाते हैं कुछ क्या? अरे गौ की टांगे भी कभी बताते हैं क्या? वहां गौमुख पर जाते हैं, जा करके वहां जल पीते हैं। जल के सिवाय और तो कुछ नहीं है ना। तो वंडरफुल है ना। बाप आकर वंडरफुल बात सुनाते हैं। है ज्ञान जल की बात और ऊंची स्टेज की बात है। ऐसी बातें और कोई मनुष्य तो नहीं सुना सकते। ये बात समझती हो ना बच्ची? सिवाय बेहद के बाप के और कोई भी ये बेहद की बातें नहीं बता सकते, कि सारी समझने की बातें हैं और समझाने की बातें हैं। अब कोई नहीं समझाते हैं तो समझते भी नहीं है। तो बाप जब आवे तो समझावे, और तुम समझते हो तो समझाते हो। यहां देखते हैं कभी कभी आगे रिहर्सल चला था, यहां देख करके बगीचे को फिर वहां चले जाते थे। और वहां भी साथ में एक होता था। देखो फर्क है ना बच्चे।
तुमको ये पसंद है, पसंद है ना? किसके आगे फूल रखेंगे? और अनेक प्रकार के फूल होते हैं, कोई क्या उठाएगा, कोई क्या उठाएगा। कोई गुलाब उठाएगा, मोतिया उठाएगा। अब रचन जो तो उठाएगा नहीं। क्यों नहीं उठाएगा? उसमें तो खुशबू नहीं होगी। दिव्य गुणों की खुशबू होती है ना चैतन्य फूलों में। अब कोई होते हैं जिनमें खुशबू ही नहीं। अब खुशबू नहीं तो जरूर बदबूए होंगी, व्यभिचार की बदबू होती है। तो देखो उस दुनिया में तो सब व्यभिचारी, बदबू ही बदबू, और यहां तो सब फूल है। ये तो गार्डन है, गार्डन ऑफ अल्लाह तैयार हो रहा है, समझे ना? मैं कौन हूं ये समझा? अरे समझने में वो मगरूरी नहीं चलती है। कौन सी? देह अभिमान की। यहां तो आत्मा अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमान नहीं चलेगा, और आत्माभिमानी बन करके फूल बनना है। जो देहवाणी बन पड़ते हैं या बनते रहते हैं वो तो कांटे बन जाते हैं, और कांटे तो थे ही। तो कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहां तो और ही खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कांटे मिलते हैं, कांटों में भी खुश होते हैं। अरे कांटा मिला तो कांटा ही अच्छा। अरे भाई पाई पैसे का आक मिला, आक ही अच्छा। अब अपने अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। पूर्व जन्मों से जो नसीब बना वही, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। तो भले ऐसे ऐसे कह करके खुश होते रहते हैं। भाई अच्छा सुनाया, अच्छा मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप और दादा का, दादा के लिए रूहानी नहीं कहते, परंतु है बाप और दादा दोनों का दिल और जान सिख और प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी याद प्यार और नमस्ते रूहानी बाप का। ओम शांति।